भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना चोरी करना एक आम बात है। वैसे आपको बता दे कि गाना चोरी करके कोई और सिंगर गाले ये उससे भी आम बात है। आप ये हमेशा सुनते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई गाना सबसे सुपरहिट हुआ है तो वो ऑलरेडी किसी गायक का होगा और उसे गाया किसी और ने होगा, उसे लिखा किसी और ने होगा और क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। ये एक आम समस्या है। इससे काफी छोटे छोटे गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर सभी जूझ रहे हैं और इसका फायदा भोजपुरी की बड़ी मछलियां उठा रही हैं। बड़ी मछलियां यानी कि पवन खेसारी, निरहुआ और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं पवन पांडे। जी हाँ, गीतकार पवन पांडे ने खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाया है कि खेसारी लाल यादव अपनी ये आदत नहीं छोड़ सकते गाना चोरी की, क्योंकि वो पैदाइशी चोर है। साथ ही साथ पवन सिंह पर यह आरोप लगाया है कि वो भोजपुरी की बड़ी मछली हैं, छोटी छोटी मछलियों को वो निगल जाते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि पवन पांडे ने इस तरह का आरोप खेसारी लाल यादव पर लगाया है। इसके पहले पवन पांडे ने खेसारी लाल यादव के एक गाने जवानी लेके उड़ जाए कौआ पर भी आरोप लगाया था कि ये गाना उनका है और इसे चुरा कर खेसारी लाल यादव ने गाया है, लेकिन क्रेडिट उन्होंने बिल्कुल भी पवन पांडे को नहीं दिया। साथ ही साथ प्रमोद प्रेमी के लिए भी पवन पांडे ने ये कहा कि खेसारी लाल यादव के बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गानों की सबसे ज्यादा चोरी करता है वो कोई और नहीं प्रमोद प्रेमी है। वैसे पवन पांडे द्वारा लगाया गया आरोप बड़ा ही संगीन है और इसे अगर गौर फरमाए तो ये भोजपुरी की आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरने वाली है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।